Welcome to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 जून 2021 और हम देखेंगे 4 जून का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले कर दें चैनल को सब्सक्राइब और कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर का ये वीडियो आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 4 जून को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व दुग्ध दिवस, तेलंगाना दिवस, विश्व साइकिल दिवस या फिर आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो 4 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 4 जून को ये दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा विश्व दुग्ध दिवस दिया है ऑप्शन में, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 1 जून को। तेलंगाना दिवस मनाते हैं 2 जून को। और विश्व साइकिल दिवस मनाया हमने कब? 3 जून को। और 4 जून को मनाते हैं आक्रामकता के शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, याद रखिए इम्पोर्टेंट डे है। और ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र मनाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र या फिर यूनाइटेड नेशन जिसे आप कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। ये वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो अभी वर्तमान हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और ये पुर्तगाल कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपको इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखनी है। और हाँ, अगर दिवस पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और दिवस बता देते हैं बच्चों से संबंधित ही है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, यानी कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ये मनाते हैं 25 मई को। अभी हमने मनाया भी था, डिस्कस भी किया था 25 मई को। तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे पूछ ले तो 25 मई लगा देना। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो जो चाइल्ड लेबर होता है उसके अगेंस्ट जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो मनाते हैं 12 जून को, यानी कि ये आने वाला है। नेशनल चिल्ड्रंस डे कब होता है? राष्ट्रीय जो बच्चों का दिवस होता है वो कब होता है? तो ये होता है 14 नवंबर को, सब जानते हैं, सबको याद भी होगा। ठीक है, और 20 नवंबर को मनाते हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे। ठीक है, तो अगर राष्ट्रीय पूछे तो 14 नवंबर, और अगर यूनिवर्सल बाल दिवस पूछे तो कब? 20 नवंबर। और इसके अलावा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि जो बच्चियों का राष्ट्रीय दिवस है वो है 24 जनवरी, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये कब है? 11 अक्टूबर। तो सारे डे इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एक जगह दे दिए हैं, तो आपको इनको याद कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो ये बनने जा रहे हैं इशाक हर्जोग। कौन? इशाक हर्जोग इसराइल के जो हैं अगले राष्ट्रपति नियुक्त होंगे, और किसके स्थान पर? रूवेन रिवलिन के स्थान पर। अभी कौन थे? रूवेन रिवलिन, जो कि ऑप्शन 3 नंबर पर आपको दिए गए हैं, ये भी इसराइल के राष्ट्रपति थे, और अब बनेंगे इशाक हर्जोग। इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और इसराइल की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? यरूशलम इसराइल की राजधानी हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? इसराइली सैकेल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। अच्छा, बात हो रही है इसराइल की, तभी हाल ही में कुछ समय पहले इसराइल ने अपने आप को दुनिया का पहला मास्क फ्री कंट्री घोषित किया है। तो इसराइल दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री घोषित हुई है, मतलब यहाँ पर मास्क नहीं यूज़ किया जाता, इसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया है, और मास्क भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछ लें दुनिया की पहली मास्क फ्री कंट्री कौन सी है, तो ये हो जाएगी इसराइल।
ठीक है। और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति नियुक्त होंगे, 11th ऑफ नंबर के, 11वें नंबर के जो क्रम के हैं वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इराक हर्जोग। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, WHO ने भारत में दूसरी लहर आई है उसके लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है। ऑप्शन से आपके अल्फा, कप्पा, डेल्टा या फिर गामा। तो ये रखा है डेल्टा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो WHO ने भारत में जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, उसका जो वेरिएंट है उसका नाम रखा है डेल्टा। अच्छा, वेरिएंट क्या है? वेरिएंट तो है B.1.617.2, ये वेरिएंट है। और इसको आम भाषा में नाम रखा है, बहुत आसान सा नाम जो लोगों के द्वारा पहचाना जा सके, लोगों के द्वारा उपयोग किया जा सके, तो वो नाम दिया है डेल्टा। ठीक है, अच्छा वेरिएंट वन, दो वेरिएंट है भारत में, ठीक है, जो कोरोना की लहर के लिए जिम्मेदार है या कोविड के लिए जिम्मेदार हैं। तो भारत में दो वेरिएंट कौन से देखे गए? तो भारत में जब पहली लहर आई थी उसमें वेरिएंट था B.1.617.1, ठीक है, तो ये था, और दूसरा था 0.2, ठीक है, पूरा ये 0.2। तो जो दूसरा वेरिएंट है उसका नाम दिया है डेल्टा, और जो पहला वेरिएंट था इसका भी तो कोई नाम दिया होगा ना, तो इसका नाम दिया गया था WHO के द्वारा कप्पा। तो कप्पा नाम याद रखना है, जो पहली लहर आई थी उसका वेरिएंट था कप्पा, और जो दूसरी अभी लहर आई है उसका वेरिएंट का नाम है डेल्टा, और ये दिया गया है WHO के द्वारा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल के दिन हुई थी। 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, याद रखना है, ये दिवस भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा। और ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था, याद रखिए। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है इफको के द्वारा। इफको, इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, तो ये भारत की कंपनी है, और इसके द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो ये स्वदेश निर्मित है, तो जो नैनो यूरिया लिक्विड है ये पूर्णतः स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत के द्वारा ही बनाया गया है। और इसका एक और प्रॉफिट ये है कि ये जो पौधे हैं ये पौधों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है, पौधों के पोषण के लिए प्रभावी है, ठीक है, और बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ ये उत्पादन के लिए भी लाभकारी है, बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन इससे हो सकेगा। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन होता है उसका प्रभाव कृषि पर पड़ता है वो इससे कम पड़ेगा, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। तो नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है, सभी जानते हैं कि यूरिया का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, कृषि में फसलों के लिए किया जाता है, तो ये नैनो यूरिया लिक्विड है जिसका उपयोग किसानों के लिए किया जाएगा, और ये भारत का स्वदेश निर्मित है, ठीक है, याद रखना है। बात कर लेते हैं थोड़ी इफको की, चूंकि ये इफको ने लॉन्च किया है, तो इफको क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेट लिमिटेड है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, दिया भी गया है। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 में स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, तो याद रखिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसरो, इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है DRDO, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। और फियो, फियो क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में, याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने EWS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र अपने यहाँ के जो मराठा समुदाय हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर मराठा समुदाय जो हैं, उनको EWS के तहत 10% का जो है आरक्षण रिजर्वेशन देने वाली है। तो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ और चीज़ें याद रख लीजिए, करंट अफेयर में डिस्कस भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र का एक पालघर नाम की जगह है, पालघर आप सबने सुना होगा। तो पालघर में एक GI टैग प्राप्त चीज़ है, क्या? उसका नाम है चीकू। तो पालघर के चीकू को प्राप्त है GI टैग, और अभी महाराष्ट्र ने ये चीकू का जो है निर्यात किया था कहाँ पर? बिट्रेन में। तो बिट्रेन में ये चीकू है जो भारत से भेजा गया था, पालघर का है, GI टैग प्राप्त है इस चीकू को। इसके अलावा अभी हाल ही में चर्चा में रहा फ्लेमिंगो अभयारण्य, क्या?
फ्लेमिंगो अभयारण्य का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में ही है और ये पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो जो फ्लेमिंगो अभयारण्य है महाराष्ट्र का, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है महाराष्ट्र का, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स, क्या ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स अभी जो कुछ समय पहले आया था, तो इसमें टॉप पर जो कंट्री थी वो थी रूस की मॉस्को। रूस की जो अभी कैपिटल है वो है मॉस्को, और रूस की कैपिटल मॉस्को इस ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर थी, नंबर एक पर थी, और जो नंबर दो पर थी वो थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई नंबर दो पर थी इस इंडेक्स में, और भारत में पहले नंबर पर है, क्या ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई जो है भारत में पहले नंबर पर है और विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो ये भी याद रखिए महाराष्ट्र से, ठीक है। और उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राजधानी आप सबको पता ही है। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्म इजी जो एक कंपनी है उसने किसका अधिग्रहण किया है। तो फार्म इजी अधिग्रहण करने जा रही है मिड लाइफ का, और मिड लाइफ और फार्म इजी दोनों मिलकर अब सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने की योजना बना रही हैं। तो ये ऑनलाइन फार्मेसी बनेगी, भारत की सबसे बड़ी बन जाएगी, और इसके तहत क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगी तो एक महीने में ये 2 मिलियन से ज़्यादा जो है उपभोक्ताओं को सहायता प्रदान कर सकेंगे या उपभोक्ताओं को सेवाएं दे सकेंगी। तो ये भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी बन जाएगी, मिड लाइफ और फार्म इजी। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा, मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध कंपनियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए की सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। तो याद रखिए कम से कम किसी एक की, यानी कि अगर किसी बच्चे की माता या फिर किसी बच्चे के पिता कोई एक भी कोविड-19 की वजह से नहीं रहा तो उसकी मदद के लिए 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट की सहायता की जाएगी। तो ये किस राज्य के द्वारा की जाएगी, ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। अच्छा, आपको मैंने पढ़ाया था कल ही कौन सी योजना, बाल सेवा योजना। तो इसी के तहत जो कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है और जो अनाथ हो गए हैं तो उनको बाल सेवा योजना शुरू की है उनके लिए, किसने, यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर बाल सेवा योजना पूछ ले तो यूपी गवर्नमेंट चले जाना, अगर आपसे बात्सल्य योजना पूछ ले तो कहाँ चले जाना, उत्तराखंड चले जाना, ठीक है। अगर आपसे 10 लाख की एफडी पूछ ले तो कहाँ चले जाना, आंध्र प्रदेश चले जाना। तो ये सारी योजना एक ही विषय से संबंधित हैं और अलग अलग राज्यों के द्वारा घोषित किए जा रही हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पोषण के लिए जो ऋण समझौता है उसका किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ऋण समझौता किया है, तो किस अभियान के लिए समझौता किया है ये। तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, ठीक है। ये अभियान है पोषण अभियान, ये पोषण से संबंधित है और अभी इसका 2.0 संस्करण भी लॉन्च हो चुका है, राष्ट्रीय पोषण अभियान। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। तो ये जो युद्धपोत था ये था ईरान का, और अभी ये आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया, और ये ईरान का सबसे बड़ा युद्धपोत था, सबसे बड़ा युद्धपोत था। हालांकि इसमें किसी जानमाल की नुकसान नहीं हुई, यानी कि किसी व्यक्ति को हानि नहीं हुई है, सिर्फ युद्धपोत को हानि हुई है, और युद्धपोत पूरी तरीके से ओमान की खाड़ी में डूब गया। अच्छा, बात हो रही है ओमान की खाड़ी की, तो ये है कहाँ पर, तो ये है जैसे हमारा भारत, एक बार फिर से ड्रॉ करते, ये हमारा भारत, और आप भारत से यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओमान, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ओमान, यहाँ पर आपको मिलेगा टर्की, और इन दोनों के बीच यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, ठीक है। तो ओमान की खाड़ी यहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान, और इसी में ये जो है युद्धपोत डूब गया है। इसका नाम क्या है, खर्ग। आपसे पूछ सकते हैं कि युद्धपोत खर्ग का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा कहाँ का, ईरान का, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो नीतीश कुमार जी देने वाले हैं इंजीनियरिंग में और मेडिकल में 33% आरक्षण, किसको, लड़कियों को,
ठीक है, तो इंजीनियरिंग की लड़कियों और मेडिकल की लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और उनका कहना है कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में है ना, लड़कियों की संख्या है बहुत कम रहती है, तो लड़कियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऐसी योजनाएँ लाई जा रही हैं। तो इस क्षेत्र में अब प्रवेश के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उनको रहेगा रिजर्वेशन। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दो क्षेत्रों में दिया जाएगा 33% आरक्षण, कहाँ पर? बिहार की लड़कियों को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। आज के लिए आपका प्रश्न है, देख लीजिए क्या है प्रश्न। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन से आपके TV नरेंद्रन, संजीव बजाज, पवन गुंजाल या फिर राहुल सचदेवा। सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट आंसर जरूर करें क्योंकि आप जो भी आंसर लिखोगे वो आपको याद हो जाएगा और उस प्रश्न का आंसर आपसे कभी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, हमेशा वो ही आपको याद रहेगा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहने के लिए हमारे साथ अंत तक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।